आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच, हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ओर से मैं नेहा मिश्रा, दिल्ली से मोहम्मद तनवीर की खास खबर पर एक नजर। कठुआ मामले की सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट करुणेश कुमार ने कहा कि अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए और जो भी अपराधी कम आयु की लड़की से बलात्कार करता है उसे तुरंत फांसी का प्रावधान होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार मामले में कुछ प्रावधान किए हैं, देखना यह है कि बलात्कार जैसे अपराध को कैसे रोका जाएगा। जब रेप केस में दोषी को फांसी की सजा होगी तो बलात्कार जैसे अपराध कम होंगे। वही करुणेश ने आसाराम बापू के मामले में भी साधु संतों पर भी सवाल उठाया है, कहा कि जो लोग साधु संतों के नाम पर गोरख धंधे करते हैं और बलात्कार जैसे अपराध करते हैं और भोले भाले लोगों को ठगते हैं, ऐसे लोगों को भी फांसी की सजा देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, उसे फांसी से कम सजा नहीं देनी चाहिए। देखते रहिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज। नमस्कार करुणेश जी, आज कटवा को लेकर जो कोर्ट में सुनवाई है, क्या रुझान कोर्ट का आज है उसमें? कटवा के मामले में जो रेप हुआ है, ये बच्ची का रेप हुआ है और काफ़ी संवेदनशील मैटर है और इसमें अभी नेक्स्ट डेट पे सुनवाई भी होगी और अभी कोर्ट में चलेगा। और जो रेप के मैटर हो रहे हैं, जैसे उन्नाव का भी मैटर है, उन्नाव में भी अभी रेप हुआ और कोर्ट में मैटर लगता है और आजकल जो रेप का मामला बढ़ गया है तो इस पर अभी एक पोस्को में भी चेंज हुआ है कि जो 12 साल के से छोटी बच्ची हैं उनका रेप होता है तो उसको मृत्यु दंड का सजा दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा रेप के मामले में किस तरह के प्रावधान लाए गए हैं, नए नए कानून जो आ रहे हैं, किस तरह के कानून लाए जा रहे हैं? देखिए, कई सारे चेंजेज हुए हैं। जैसे पहले माना जाता था कि जब गवाही होती थी, एविडेंस पे आता था मैटर, तो उसमें क्या होता था कि लोगों का कहना माना जाता था किसी का, मतलब लेकिन आज जो चेंजेज हुए इसमें, उसमें कोर्ट ने एक नया चेंज लाया है कि अगर लड़की बोल रही है कि इन्होंने रेप किया है तो वो माना जाएगा। और पोस्को में जो चेंज हुआ है उसमें मृत्यु दंड तक की सजा कर दी गई है, ये बहुत अच्छा हुआ। कटवा के जो अपराधी हैं उनके लिए कोर्ट का क्या रुझान है, क्या उनको फांसी होगी? बिल्कुल फांसी होनी चाहिए, मैं तो पूरी तरीके से मांग करूंगा कि कटवा के मामले में भी फांसी होनी चाहिए और अगर उन्नाव के मामले में अगर उसमें भी सजा होनी चाहिए और कठोर सजा होना चाहिए, रिग्रेस जो इम्प्रिजनमेंट होता है वो होना चाहिए। आसाराम बापू का जो संतों के बारे में आप पूछ रहे हैं रुझान, तो संतों में मैं आपको असलियत में बता रहा हूँ कि मतलब मैंने काफ़ी रिसर्च किया इस सब्जेक्ट पे। तो आसाराम बापू जैसे एक भारत के परंपरा में कई सारे जैसे 52 द्वारा हैं, ठीक है, 13 अखाड़े हैं और जैसे बहुत बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, पीठ हैं, ऐसे किसी भी संप्रदाय से वो बिलोंग नहीं करता है। संतों से इनका कोई बहुत बड़ा रिश्ता नहीं, इनका इंडिपेंडेंट काम है, ये बिजनेस के तरीके से ट्रीट करता था और संतों से इसका कोई संत जैसा माहौल भी नहीं रहा है, इन्होंने बस देश को ठगा है। और ऐसे व्यक्ति को तो मतलब इसने केवल पूरे मैं आपको मतलब कहना नहीं चाहिए लेकिन संत था उन्होंने मतलब केवल एक लड़की का नहीं रेप किया बल्कि पूरे हिंदू धर्म का मतलब संस्कृति का रेप किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर एक विश्वास था लोगों का कि एक संत है, अगर ऐसे कोई संत कोई ऐसा गलत काम करता है तो उसने केवल एक व्यक्ति का नहीं रेप किया, उसने पूरे अपने समाज का मतलब एक विश्वास का रेप कर दिया उसने कि वो विश्वास टूट गया उसके ऊपर से, ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल सजा। और उसके वकील ने ये रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम सजा दिया जाए। जो 3 लोगों को रिहा कर दिया गया है, क्या कारण था? दो लोगों को जो रिहा किया गया है, क्या कारण था? क्या दबाव में रिहा किया गया या वो दोषी नहीं पाए गए थे? दोषी नहीं पाए गए थे, दबाव कोर्ट का ऊपर किसी के ऊपर भी कोई दबाव नहीं होता है। कब तक की ये सजा दी जाएगी? अभी ऑर्डर रिजर्व है और जल्दी से जल्दी पता चल जाएगा, उसमें सजा ज्यादा ही होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस क्राइम इंडिया न्यूज रिपोर्ट, मोहम्मद तनवीर दिल्ली से। आपकी खबर आप तक पहुंचाने के लिए जल्द ही आपके केबल नेटवर्क पर आप जो शेयर और लाइक करते हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। देखते रहिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच, हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा।